नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एलओसी पार करके भारत में घुसने वाले पाक सैनिक को भारत जवानों ने हुरों की खोज में भेज दिया है। पाकिस्तान की यह हरकत पिछले साल फरवरी में किए गए सीज फायर समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन है। मृतक पाक सैनिक के पास से AK-47 राइफल, कुछ दूसरे हथियार और साथ हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। उसके पास से पाकिस्तानी आईडी कार्ड, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। घुसपैठिए पाक सैनिक का नाम शब्बीर मलिक है और वह बैट टीम का मेंबर हो सकता है। यह वही बैट टीम है जो भारतीय सीमा में घुसकर हमले करती रही है। भारत ने हॉटलाइन के जरिए पाकिस्तान से अपने सैनिक की लाश ले जाने के लिए कहा है, मगर पाक सैनिक का शव अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है। खास बात यह है कि पाक फौज ने अभी उसे अपना सैनिक ही नहीं माना है। इस घटना के बाद नियंत्रण रेखा पर हालात बदल सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इस खबर को दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है। उनके मुताबिक भारत के सैनिकों ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है। वे पाकिस्तान के 600 मीटर भीतर तक घुस आए थे, जिसके बाद पाक सैनिकों से उनका संघर्ष हुआ है। वह मृतक पाक सैनिक का शव अपने साथ ले गए और उसे नियंत्रण रेखा पर ले जाकर पटक दिया। यह ऑपरेशन क्या था और क्यों किया गया था, पाक मीडिया इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन उसने कुछ ऐसे तथ्य रखे हैं जिससे जाहिर होता है कि भारतीय सेना ने कुछ तो बड़ा किया है। उनके मुताबिक बैट टीम ग्रुप में हमला करती है। कभी भी अकेला सैनिक 600 मीटर के दायरे को पार करके नहीं जा सकता है। बैट टीम को नियंत्रण रेखा की पूरी जानकारी होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक अकेला सैनिक घुसपैठ करके भारतीय सेना से टकराने के लिए निकल जाए। फिर इसके लिए ऊपर से परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, और पाक सेना के अधिकारी इतने पागल नहीं हैं जो अकेले जवानों को इस तरह खुला छोड़ दे और भारत में घुसपैठ करने हेतु भेज दे। पर पाक सैनिक मारा जा चुका है, यह भारत जवानों की बड़ी कामयाबी है। इससे यह भी साबित हो गया कि सीज फायर की आड़ में भारत को अस्थिर करने के पाकिस्तान के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। भारतीय फौज उसकी हर चालबाजी का जवाब देने के लिए सतर्क है। पर बड़ा सवाल यही है कि अगर भारतीय सेना नियंत्रण रेखा के पार जाकर कोई ऑपरेशन किया है तो पाकिस्तानी सेना उस पर खुलकर क्यों नहीं बोल रही है। पाक मीडिया इस मुद्दे को जोर शोर से प्रचारित कर रहा है, लेकिन फौज को तो जैसे सांप सूंघ गया है। दरअसल ऐसी अस्पष्ट खबरें भी चल रही हैं कि इंडियन आर्मी के सैनिक इस ऑपरेशन के दौरान कई लोगों को जिंदा पकड़कर अपने साथ ले गए हैं। यह पाक सैनिक है या पाकिस्तानी तस्कर, इस बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। यह बैट टीम के सदस्य भी हो सकते हैं जो मृतक सैनिक के साथ रहे होंगे। पाकिस्तानी सेना दुविधा में है कि वह किस मुंह से इस ऑपरेशन को स्वीकार करे। बालाकोट एयर स्ट्राइक और उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उस पर पहले जमकर थूतू सूसू हो चुकी है। ऐसे में इस गुप्त ऑपरेशन में अपने सैनिक की मौत उसके लिए बेइज्जती का एक और सबब बन सकता है। यूं भी अपने देश में उन्होंने अपनी बहादुरी का जो झूठा हुआ खड़ा किया है उस पर इतना पलीता लग चुका है कि यह नई घटना उनका मुंह और काला कर सकती है। फिलहाल तो वह इसे अपना सैनिक मानने से इंकार कर रहे हैं। वह छुपकर उसकी लाश उठाने आते हैं तो सचेत भारतीय जवान और दो चार को हुरों की खोज में चलता कर सकते हैं। जहां पर यह लाश पड़ी हुई है वहां बर्फ की चादर बिछी हुई है, इसलिए पाक सेना के लिए उस तक पहुंचना आसान भी नहीं है। भारतीय सेना ने आतंकियों को ठोकने के लिए नियंत्रण रेखा के पार जाकर कार्रवाई करने का विकल्प खुला रखा है, यह इस घटना से साफ हो जाता है। यह भारत का हक है कि वह पीओके के अपने इलाके में ऐसी कोई भी कार्रवाई कर सकता है। अगर उसके रास्ते में पाक फौज रुकावट डालेगी तो पाकिस्तान उसका असर पहले भी देख चुका है और LOC पर पड़ी पाक सैनिक की लाश उन्हें संदेश भी दे रही है। भारत ने सीज फायर का कोई उल्लंघन नहीं किया है। पाकिस्तान साबित नहीं कर सकता है कि भारतीय सेना ने कोई गोली चलाई है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने भारतीय सीमा में घुसपैठ करते पाक सैनिक को ढेर किया है। अब अगर बाजवा के पास भारतीय सेना के किसी ऑपरेशन के प्रमाण है तो वह बकलोल पाक मीडिया के साथ दुनिया को जरूर बताए। कम से कम हिंदुस्तान को भी पता चले कि पाक फौज की कैसी ठुकाई हुई है, क्योंकि यहां तो फिलहाल क्यासे लगाए जा रहे हैं। यह हर बार नहीं हो सकता है कि भारत ही उसे बताए कि हम उसके इलाके में उसे ही ठोक कर आ गए हैं और पाक सेना जाकर अपने सैनिकों की लाशें गिन ले। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।